नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजूरिया, इस समय मैं बीजेपी कार्यालय के बाहर हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जो त्रिकुटा नगर में स्थित है। कार्यालय भारतीय जनता पार्टी जम्मू व कश्मीर और जेपी नड्डा जो इस समय प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के, वो उनकी विजिट से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी सिक्योरिटी की इंतजाम किए रखे हैं। पुलिस का आला दस्ता यहाँ पे मौजूद है। आज जेपी नड्डा जिन्होंने जम्मू विजिट करना था और पार्टी कार्यालय आना था, हालांकि गौरतलब है कि 12 बजे जो उनका टाइमिंग था रघुनाथ जी मंदिर में उन्होंने माथा टेकने जाना था, लेकिन अभी तक जो है वो नहीं आए हैं। और अगर सूत्रों के हवाले से बात करें तो उनकी जो फ्लाइट जो है वो देरी से है, क्योंकि जिस प्रकार से घना कोहरा पूरे उत्तर भारत में, जम्मू में भी और पड़ोसी राज्य पंजाब चंडीगढ़ में भी है, उसकी वजह से उनकी जो फ्लाइट है शायद अभी तक वहां से टेक ऑफ नहीं की है। वहीं सिक्योरिटी का आला दस्ता उनकी विजिट से पहले, मैं दूर तक तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, आप देख सकते हैं पुलिस का आला दस्ता, इसके साथ साथ मैन मशीनरी पूरी जो है वो डिप्लॉयड है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जेपी नड्डा, हालांकि उनकी विजिट से पहले हाईली सिक्योरिटी जो है वो टाइटन कर रखी है जम्मू के अंदर। इससे पहले मैं बात करूं तो वाइस प्रेसिडेंट धनकर साहब जो उनका जम्मू में विजिट था, लेकिन घने कोहरे के चलते उन्होंने जो है अपना विजिट जम्मू में नहीं कर पाए थे। स्कॉस्ट में उन्होंने जाना था और फिर बाद में उनका विजिट जो था कठुआ में हुआ, वो भी उनकी लैंडिंग जो थी पठानकोट में हुई थी। तो आज शायद इनके भी जिस प्रकार से घने कोहरे के चलते फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ नहीं कर पाई है अभी तक। और हालांकि टाइमिंग के अनुसार जो है अभी उनको रघुनाथ जी मंदिर 12 बजे जाना था, वहां तक नहीं आ सके हैं। तो हो सकता है कि उनकी ये जो विजिट है कैंसिल हो जाए या पोस्टपोन हो जाए, हालांकि इसके ऊपर किसी प्रकार की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन गौरतलब है कि घने कोहरे के चलते उनकी जो फ्लाइट थी अभी तक टेक ऑफ नहीं की, तो अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण इसमें नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो चर्चाएं चल रही हैं कि इलेक्शंस की तैयारी हो रही है और बड़ी सारी सीटों में फेरबदल होने को देखने को मिल सकता है। असेंबली इलेक्शंस के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से डायरेक्शंस दी हैं उसके ऊपर भी बातचीत हो सकती है। 9 तारीख की बात करें तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा जो है वो शेड्यूल्ड है, वो जम्मू में आएंगे और जहां की जनता को एड्रेस करेंगे। और इससे पहले जेपी नड्डा जी का विजिट कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कहीं ना कहीं इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए और पार्टी में फेरबदल को मद्देनजर रखते हुए भी माना जा रहा है। क्या कुछ रहेगा जेपी नड्डा जी की विजिट का और किस प्रकार से उनकी विजिट के बाद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की विजिट रहेगी, क्या कुछ फेरबदल होगा, क्या कुछ जनता के लिए खास होगा, क्या असेंबली इलेक्शंस की अनाउंसमेंट होगी, क्या लोकसभा के साथ साथ असेंबली इलेक्शंस भी आ सकते हैं या लोकसभा के तुरंत बाद जो है असेंबली इलेक्शंस हो सकते हैं, ये बड़ी बातें जो है वो आम जनता जानना चाहती है। लेकिन इस समय तस्वीरें आप जो है वो पार्टी कार्यालय से देख रहे हैं। अपनी वैल्यू राय भी जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। और हाईली सिक्योरिटी जो है जहां पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के पुलिस का आला दस्ता जहां पे मौजूद है, इसके साथ साथ मैन मशीनरी हर कोई जो है वो कार्य पे लग रखा है। और वहीं कुछ पार्टी के बड़े दिग्गज लीडर और वादी कश्मीर से भी जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज लीडर हैं वो इससे पहले यहाँ पे पहुंचे और अभी भी वो पार्टी कार्यालय में हैं। वादी से बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी वादी के अंदर भी कहीं ना कहीं कमल खिलाने की पूरी तैयारी में है और वादी से जो लीडर हैं वो उनके साथ पूरे तरीके से रابطہ कायम किए हुए हैं। बहरहाल अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देखते रहेंगे जम्मू कैमरा सिंह के साथ, मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद।